नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रीवियस इयर्स के जेई मेन के क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम 1920 के क्वेश्चंस की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, आज हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग द लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 12 R इज जॉइंड टू ए सेल डी of EMF E and internal resistance R. Okay? A cell C having the EMF E by 2 and internal resistance 3R is connected the length AZ at which the galvanometer as shown in the figure show no deflection is. देखिए, potentiometer wire के केस में हम देखते हैं, जब भी null deflection की बात करते हैं उस केस में galvanometer उस cell से कोई current नहीं लेता जिसका वो potential drop देख रहा है। तो इससे कोई करंट नहीं लेगा, तो एजे पर पोटेंशियल वही होगा जो ई बाय टू होगा। जब करंट नहीं जाएगी तो 3R का यहां कोई मतलब नहीं रह जाता। इसमें सबसे पहले देखिए एक्स क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। प्राइमरी सर्किट में लगे सेल का ईएमएफ बाय पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस इंटू सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो प्राइमरी सर्किट में जुड़ा हो इंटू आर बाय एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि सेल का ईएमएफ क्या दिया है, ई बाय वायर का रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, 12 R दिया है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं दिया इसमें, इंटू 12 R बाय टोटल लेंथ वायर की कितनी दी है, एल। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 12 E बाय 3 L रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके पास एक्स आ जाता है। उस केस में आपको यहां से बैलेंस लेंथ देखनी है, किसके लिए बैलेंस लेंथ, सेल के लिए जिसका ईएमएफ क्या है, ई बाय टू। देन आप कह सकते हैं ई बाय टू इक्वल टू एक्स एल, या एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय टू बाय एक्स। आप इस x की वैल्यू को वहां पुट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, जब आप इस x की वैल्यू को यहां से यहां पुट करते हैं आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, l इक्वल टू e बाय टू एक्स, एक्स कितना है आपके पास, 12 E बाय 13 L था, ये 3 L नहीं, 13 L। E से E कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ये 13 L बाय 24। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 13 L बाय 24। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एन इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ L हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी रो x इक्वल टू रो नॉट x बाय L ऑन इट। The rod is rotated about an axis passing through the origin x equal to 0 and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod. आपको रॉड पर मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास एक रॉड है जो अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। इसके यूनिट लेंथ का जो चार्ज दिया है आपको, वो चार्ज क्या दिया है, रो एक्स इक्वल टू रो नॉट एक्स बाय एल। एल क्या है, इसकी टोटल लेंथ है। तो उस केस में जब ये रोटेट करेगा तो आप क्या करते हैं, यहां से एक एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी एक्स। इस डी एक्स पर चार्ज कितना है, डी क्यू इक्वल टू रो नॉट एक्स बाय एल इंटू इसकी लेंथ डी एक्स, राइट। अगर इतना चार्ज रोटेट करेगा, इसकी रोटेशनल मोशन आपको ओमेगा दी है, जिसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एन रोटेशन पर सेकेंड, तो आप ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 π n लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भी फ्रिक्वेंसी n लेंगे तो इसके रोटेशन के कारण ये इस सर्कल में रोटेट करेगा। तो यहां इसके कारण करंट क्या होगी, सर्कल में करंट क्या होगी, डी आई इक्वल टू डी क्यू बाय टी ना, जिसे आप 1 by T, एक साइकिल में टाइम कितना लगेगा, 1 by T इक्वल टू एन होगा, आप लिख सकते हैं रो नॉट एन बाय एल एक्स डी एक्स।
अब इस करंट के फ्लो के कारण, इसने पार्ट के कारण यहां मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? डीएम इक्वल टू करंट इनटू एरिया। करंट आपके पास कितनी है? रो नॉट एन बाय एल एक्स डीएक्स, और एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? इसका रीजन का एरिया क्या हो गया? पाई एक्स स्क्वायर। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास? इंटीग्रेशन डीएम क्या हो गया भाई? कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकालिए, पाई रो नॉट एन ओवर एल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स फ्रॉम जीरो टू एल। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स फोर बाय फोर। देन आपके पास क्या आ गया? पाई रो नॉट एन एल फोर बाय फोर एल। तो आपके पास क्या आ गया? पाई रो नॉट एन एल क्यूब बाय फोर। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए, पाई बाय फोर एन रो नॉट एल क्यूब, इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए मैग्नेटिक मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 10 रेज टू पावर माइनस 2 आई एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड आई ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप कॉस ओमेगा टी वेयर बी इक्वल टू 1 टेस्ला ओमेगा इक्वल टू 0.125 रेडियन पर सेकेंड। द वर्क डन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए, जब डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, वर्क डन क्या होता है? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ना। पहले एंगल जीरो था बिकॉज ये भी आई कैप में है और ये भी आई कैप में है। बाद में डायरेक्शन चेंज कर दी तो एंगल 180 हो जाएगा। कॉस जीरो 1 कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 एम बी आ जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। B की वैल्यू आपके पास क्या है? B 1 टेस्ला था, तो 1 इंटू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कितना दिया है? 0.125 इंटू 1। आपके पास रिजल्ट आएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू कॉस 0.125। ए रेडियन में है तो इससे आपके पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.9 के आसपास आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास यहां से वैल्यू 0.167 के आसपास रहेगी। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0.014 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शो इन द फिगर इज 30 ओम। ये आपके पास 30 ओम। This is measured in experiment as show the using the standard formula R equal to V by I, where V and I are the readings of the voltmeter and ammeter respectively. If the measured value of R is 5% less than the internal resistance of the voltmeter is. तो internal resistance, आपको voltmeter का resistance पता करना है। जहां से जो मेजर किया गया है वो 5% कम है, इसका मतलब R डैश क्या है? 95% ऑफ R है। R डैश होगा क्या यहां से? एक्चुअली R और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट होगा। क्या लिख सकते हो? R इंटू आर वी बाई आर प्लस आर वी इक्वल टू 95/100 R हो जाएगा। R से R आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आया? 100 आर वी इक्वल टू 95 आर और प्लस 95 आर वी। आप कह सकते हैं 5 आर वी इक्वल टू 95 आर, तो आपके पास आर वी इक्वल टू क्या हो गया? 19 आर आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 30 दी है, तो आपके पास क्या आ गया? 19 इंटू 30 क्या हो गया? 570 ओम आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एट द सम लोकेशन ऑन द अर्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 टेस्ला। एट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड पोल स्ट्रेंथ 1.8 एम्पियर मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट using the thread it makes 45 degree angle with the horizontal in equilibrium
to keep this needle horizontal, the vertical force that should be applied at the one end of the needles. काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ये कोई मैग्नेटिक निडल है जो मिड पॉइंट से सस्पेंडेड है. इस पर डेफिनेटली दो मैग्नेटिक फील्ड थे. एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यह था बी एच और दूसरा फील्ड यहां पर यह था बी वी. राइट, ये निडल यहां रुकी हुई है. इसका मतलब ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रुकी हुई है जिसके लिए ये एंगल कितना है 45 डिग्री. इस केस में अगर मैं निडल की बात करूं तो निडल पर टॉर्क क्या है. जब आप इस निडल को हॉरिजॉन्टल ले जाना चाहते हो, इस लोकेशन में लेकर जाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, निडल पर नीचे को एक बीवी लगेगा, इसके कारण फोर्स एम बीवी होगा और एक फोर्स इधर को होगा जो क्या होगा एम बीवी. और निडल इस मिड पॉइंट के अबाउट क्या है, फिक्स्ड है. तो उस केस में आपके पास क्या होगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है और इसी टॉर्क के कारण ये इस लोकेशन में आई थी जो उसकी ओरिजिनल से 45 डिग्री. आप इस पोजीशन से यहां तक ले जाने के लिए आपको अपोजिट टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. अपोजिट टॉर्क अप्लाई करने के लिए आप यहां पर एक फोर्स एफ लगाते हैं, जिस एफ के कारण इसका अपोजिट टॉर्क लगेगा जो टो टू होगा. अगर आप यहां रखना चाहते हैं इक्विलिब्रियम में, देन टो वन शुड बी इक्वल टू टो टू. क्लियर. अब इसकी लेंथ एल है, आपके पास ये दो फोर्स थे, इनके कारण लगने वाला टॉर्क क्या होगा, एम बी वी एल होगा. राइट, एम बी वी एल इक्वल टू टॉर्क आपके पास क्या है जो आपने फोर्स लगाया है. ये लेंथ इसकी एल बाय टू है. ओके, तो एल बाय टू के लिए आपके पास टॉर्क क्या हो गया, एफ एल बाय टू. एल से एल कैंसिल, तो एल इक्वल टू क्या हो गया, टू एम बी वी. अब क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास फोर्स कितना आ गया, एफ इक्वल टू टू एम बी वी आ गया है. ओके, तो आप फोर्स की बात करें, कितना फोर्स आ गया, टू एम बी वी. आपको क्वेश्चन में बीवी नहीं दिया, बीएच दिया है. गौर से देखिए, ये बीएच दिया है और ये बीवी है और आपके पास ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल 45 है. तो डिप एंगल के अकॉर्डिंग 10 45 इक्वल टू क्या होगा, बीवी बाय बीएच. इसका मतलब बीवी इक्वल टू बीएच, तो इनकी वैल्यू इक्वल है. आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × m. m कितना दिया है इसका, 1.8 इंटू बीवी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 118 × 10⁻⁶. आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 6.5 × 10⁵ आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ के बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है. फिर से कार्बन कलर कोड वाला क्वेश्चन आ गया है. पिछले पेपर में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार इसको इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में दिया है. ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो कंसेप्ट है, एक कार्बन कलर कोड और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज. द व्हीटस्टोन ब्रिज शो इन द फिगर हेयर गेट्स बैलेंस्ड व्हेन द कार्बन रजिस्टर यूज्ड बाय एज R1 हैज द कलर ऑरेंज रेड एंड ब्राउन. आपके पास क्या कलर है, ऑरेंज रेड एंड ब्राउन. तो आप लिख सकते हैं आपके पास इक्वेशन जो कलर्स के नाम है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू. राइट, ये सारे इसके कलर्स आप लिख सकते हैं. आपको ऑरेंज कलर पहले दिया है, तो ये कितना था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3. तो R1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहां से R1 इक्वल टू 3 ऑरेंज के लिए, रेड के लिए आपके पास 2 था, ब्राउन के लिए 10⁻¹ था, इसका मतलब 320 ओम था. राइट, द रजिस्टर्स R2 एंड R4 आर 80 और 40 रेस्पेक्टिवली. अज्यूमिंग दैट द कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर गिव्स देयर एक्यूरेट वैल्यू, द कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर यूज इन R3. R3 के लिए पूछा है, आपको पता है R1 बाय R3 क्या होता है, R2 बाय R4. तो आपके पास क्या आ गया, R3 बाय R1
इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर फोर बाय आर फोर कितना है आपके पास, आर फोर आपको गिवन है 40 और आर टू गिवन है 80, तो आपके पास 40/80 कितना आ गया, 1/2, तो आर थ्री क्या हो गया, हाफ ऑफ आर वन हो जाएगा, आर वन का हाफ कितना हो गया, 160 आ जाएगा, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 16 × 10^1। क्लियर, फर्स्ट कलर क्या आ रहा है, वन, वन किसका होता है, ब्राउन का, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ब्राउन ब्राउन हो सकता है। दूसरा सिक्स, सिक्स किसका है, देखिए 4, 5 और 6 ब्लू का है, ये दोनों ही ब्लू। थर्ड देखिए 10^1 किसकी है, ब्राउन की, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने ये फर्स्ट हो सकता है, यहां से देखिए पहला क्या है, ब्राउन, तो ब्राउन इसमें भी है और इसमें भी है। सेकंड सिक्स है, सिक्स ब्लू का होता है, दोनों में ही है। थर्ड वन है, वन किसका है, ब्राउन का, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैग्नेट से रिलेटेड आया है, अच्छा क्वेश्चन है। ए हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर मेड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेटिक मटीरियल विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सेस, बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, दे आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए मैनर दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स ए स्मॉल एंगल विद द फील्ड, इफ द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ द हुप एंड सिलेंडर आर TH एंड TC रेस्पेक्टिवली, देन, आपको इनके टाइम पीरियड का रिलेशन पता करना है। आपको पता है जब भी किसी मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल एंगल से शिफ्ट करके छोड़ते हैं तो उस पर रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण वो SHM करने लगता है, और उस SHM का जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू वो क्या होता है, 2π√I/MBH होता है। आपको पता है BH सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब इनका टाइम पीरियड, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनके मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट पर डिपेंड करता है। उसने कहा है कि दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा, पहले आपके पास हुफ है उसके लिए, और दूसरा इसे आप H लिख लीजिए, इसे C लिख लीजिए। आपके पास लूप का क्या होता है, MR² होता है, और सॉलिड सिलेंडर का 1/2 MR² होता है, तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखिए इसी ने क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस द सॉलिड सिलेंडर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस द सिलेंडर। आपको इनका रेशियो पूछा है टाइम का, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू रूट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट में, तो आप लिख सकते हैं IH/IC, एम के इनवर्सली था तो MC/, आपको पता है IH/IC क्या है 2 और MC/MH क्या है 1/2, 2 × 1/2 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, TH is equal to TC, आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज AB इन द गिवन फिगर इज 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 4 ओम है। ओके, विद ए सेल ऑफ EMF 0.5 वोल्ट एंड रियोस्टेट रेजिस्टेंस 2 ओम द नल डिफ्लेक्शन, आपको इसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, इस पूरी वायर का आपको रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, और इसकी लेंथ आपको पता ही है, मीटर ब्रिज है, 1 मीटर होगा। ओके, अब देखिए सेकंड सेल है कोई आपके पास, व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेल E द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज AB इन द गिवन फिगर इज 4 ओम विद ए सेल ऑफ EMF 0.5 वोल्ट एंड द रियोस्टेट रेजिस्टेंस RH इक्वल टू 2 ओम, द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट द सम पॉइंट J, when the cell is replaced by the another one of EMF E2, the same null point J is found for RH equal to 6 ohm, तो आपको find the E2, आपको E2 की value पता करनी है।
देखिए, जब प्राइमरी सर्किट के अंदर आप रियोस्टेट को चेंज करोगे देन क्या होगा, देन आपके पास वोल्टेज पोटेंशियल जो पोटेंशियल ग्रेडिएंट है जो वो चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडिएंट की वैल्यू एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब दो अलग अलग कंडीशन में एक्स की वैल्यू अलग अलग है, दो अलग अलग कंडीशन में ई की वैल्यू भी अलग अलग है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन में उनकी बैलेंस लेंथ सेम है। देखिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई बी बाय इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया उसका, तो आर प्लस आर वन इंटू आर बाय एल है। आर वन जो है वो चेंज हो रहा है दोनों केसेस में, ओके। उस केस में सेकेंडरी सेल के लिए देखेंगे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, तो ई इक्वल टू क्या है, एक्स एल। आपको पता है एल सेम है, तो आप दो वैल्यू के लिए लिखेंगे ई टू बाय ई वन इक्वल टू एक्स टू बाय एक्स वन इंटू एल बाय एल। तो इसका मतलब आपके पास ई टू बाय ई वन इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू बाय। अब x में भी चेंज क्या हो रहा है, यह चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम ही रहेगा, 1 मीटर है, 1 मीटर ही रहेगा, यह 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट ही रहेगा। चेंज हो रहा है तो सिर्फ आर एच, जिसे मैंने यहां आर वन लिखा है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आर एच चेंज हो रहा है। इसका मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर प्लस आर एच के। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, आर प्लस आर एच वन ओवर आर प्लस आर एच टू। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो आपके पास यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं पेज खाली कर लेता हूं। तो इस केस में आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं ई टू की वैल्यू देखनी है मुझे, तो मेरे को आर की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, देखिए आर की वैल्यू 4 ओम दे रखी, आर एच वन पहले कितना वैल्यू था इसका, 2 ओवर 4 प्लस बाद में इसकी वैल्यू क्या है, 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, ई टू इक्वल टू 6 बाय 10 इंटू ई वन। ई वन आपको इनिशियली केस में कितना दिया था, ई वन की वैल्यू दी थी 0.5 दी थी, ओके। तो 0.5 तो इक्वल टू आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा यहां से, 0.3 आ जाएगा, ओके तो आपके पास आंसर क्या होगा, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन। हाँ जी, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इन अ वेस्टर्न, फिर से एक वेस्टर्न ब्रिज का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इन अ वेस्टर्न ब्रिज रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर अप्रोक्सीमेट इक्वल, इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रोक्सीमेट इक्वल, ओके। वेन आर इक्वल टू 400 द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू द वैल्यू ऑफ आर फॉर द बैलेंसिंग इज 405 द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले केस में देखिए आप लिख सकते हैं एक्स बाय आर, आर कितना है आपके पास, 400 था, तो एक्स बाय 400 इक्वल टू क्या था, क्यू बाय पी। दूसरे केस में R को रिप्लेस कर दिया किससे, 405 से, और दूसरी बात उसने P और Q को इंटरचेंज कर दिया, यहां P आ गया यहां Q आ गया, तो X बाय 405, तो X के सामने कौन है, P, तो P बाय Q। आप इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो P Q बाय P और P बाय Q 1 हो गया, तो X स्क्वायर बाय 400 इंटू 405 इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, रूट 400 इंटू 40। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो मैं बता देता हूं आपको, इसका रिजल्ट आ जाएगा 402.5 ओम आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन देखिए, द टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वाट, इफ दीज रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो जब सेम के साथ आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन आपके पास पावर क्या होगी, वी स्क्वायर बाय आर एस,
If n equal resistors are connected in series and the resistance of each resistor is R, then V square by n. But when these n resistors are connected in parallel combination, then PP equal to V square by RP. And RP is equal to R by N, then aap likh sakte hain N V square by R. When compared to both, then kya ho gaya? PP by PS should be equal to N square. Iska matlab PP is equal to N square PS. The power for series is 60 watt and resistors are, number of resistors are 2, then power for parallel kya ho gaya 2 ka square into 60 equal to 240 watt aa jayega. Clear? Next question dekhiye. Next question, 11th number question dekhiye. A galvanometer having a resistance 20 ohm and 30 divisions on the both side has a figure of merit 0.005 ampere per division. The resistance that should be connected in series such that it can be used as a voltmeter up to 15 volt. देखिए जब भी आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वी शुड एक हाई रेजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो आपको यहाँ एक हाई रेजिस्टर सीरीज में जोड़ना होगा. अगर ये मिलकर के जी और आर एच वी वोल्टेज को मेजर करते हैं, द करंट पासिंग थ्रू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आईजी की करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही है, देन आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई जी जी प्लस आई जी आर एच. तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे आर एच क्या हो गया, V बाय आई जी माइनस जी. आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन स्केल की करंट है. तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, आई जी इक्वल टू, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि पर यूनिट डिवीजन के लिए कितनी थी 0.005 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन क्या है 20. तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू 0.1 एम्पियर आ जाएगी. क्लियर? अब देखिए आपको आर एच पता करना है, तो V बाय आई जी, वी कितने वॉल्ट में करना है, 15 बाय 10 रेज टू पावर माइनस 1.1 का माइनस जी. जी का आपके पास वोल्टेज दिया है 20, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये जी का सॉरी आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है 20, और उस केस में आपके पास सॉरी आईजी की वैल्यू रॉन्ग हो गई है. सॉरी देखिए आईजी की वैल्यू डिवीजन 20 नहीं है 30 है. आईजी क्या हो गया, यूनिट नंबर के लिए क्या है 5 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 3 और टोटल नंबर कितने हैं 30. तो ये आ गया 15 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 2. तो आपके पास आर एच क्या हो जाएगा, वी, वी कितने में बदलना है 15 वोल्ट बाय आई जी 15 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 2 और माइनस कितना रेजिस्टेंस है 20. तो ये कितना आ गया 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ओम. आंसर विल बी सेकेंड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, फिर से एक एक्सपेरिमेंटल है. ये किसके लिए है, मीटर ब्रिज के लिए. आपको पता है मीटर ब्रिज के केस में ये बैलेंस लेंथ है. अगर ये लेंथ L1 हो और अगर ये लेंथ L2 हो, तो बैलेंस्ड केस में इसका रेजिस्टेंस और इसका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा. आप कह सकते हैं बैलेंस लेंथ में R1 बाय L1 इक्वल होगा किसके, R1 R2 बाय L2 के. ओके क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शो इन द फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. इफ ए 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर. द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल विद R1 प्लस 10 ओम सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन. देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर इस मीटर ब्रिज के लिए, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है कि ये एक मीटर ब्रिज है.
इस मीटर ब्रिज में दो रेजिस्टर जुड़े हैं, एक आर वन है, दूसरा आर टू, राइट। यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ये आपके पास बैलेंस पॉइंट आ रहा है। आपको उसने कहा है कि इनिशियली आपके पास जो बैलेंस लेंथ आ रही है वो 40 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है ये 40 है, तो ये आपके पास क्या होगी 60। आप लिख सकते हैं R1 वन बाय आर टू इक्वल टू 40/60, मतलब आपके पास इनका रेशियो क्या आ गया, 2:3। अब आगे क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि इफ ए 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, अगर R1 के साथ आप 10 ओम कनेक्ट करोगे तो उस केस में आपके पास नया रेजिस्टेंस यहां क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा R1 प्लस 10 हो जाएगा, ये R2 है। उस केस में अगर मैं यहां बैलेंस लेंथ देखता हूं, यहां बैलेंस लेंथ देखता हूं, वो कह रहा है कि शिफ्ट हो गई है 10 सेंटीमीटर। देखो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी बैलेंस लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो शिफ्ट किधर होगी, उस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पहले 40 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, बैलेंस के केस में आप कह सकते हैं R1 प्लस 10 बाय R2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 50/51। आप कह सकते हैं R1 बाय R2 प्लस 10 बाय R2 इक्वल टू 1। आप कह सकते हैं यहां से R1 by R2 2/3 था, तो 10 by R2 equal to 1 minus 2/3, मतलब R2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 30। और अगर R2 30 है तो R1 आपके पास क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 10 such that the null point shift back to its initial position। मतलब वो कह रहा है कि जो ये resistance था आपके पास R1 plus 10, मतलब 20 plus 10 कितना हो गया, 30, और ये भी कितना है, 30। इसके parallel में वो resistance पता करो जिससे इसका null deflection point वापिस पहले वाली condition पर आ जाए, मतलब ये 40 हो जाए और ये, तो ये मिलकर के इसको बैलेंस करेंगे तो इनका क्या हो गया रिजल्टेंट, 30R/30+R ओवर यहां कितना था, 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 40/60। 30 से 30 कैंसिल, तो आपके पास R/30+R इक्वल टू 2/3। आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 3R इक्वल टू 60+2R, तो आपके पास R will be 60 ओम आ जाएगा। मेरी बात क्लियर, देन रेजिस्टेंस विल बी 60 ओम। इसका मतलब जब आप 60 ओम कनेक्ट करोगे उस केस में नल डिफ्लेक्शन इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब विद ए साइड 1 सेंटीमीटर हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना When the magnetic intensity, मतलब H की वैल्यू दे रखी है, H इक्वल टू 60×10^3 एम्पियर, देन फाइंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। वट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, chi m equal to i by h। वट इज i? i क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की बात कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, आई इक्वल टू क्या होता है, एम बाय वी होता है। आपको एम कितना दिया है क्वेश्चन में, 20×10^-6 बाय वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 10^-2 मीटर। तो क्यूब बॉडी है, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10^-6। माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, -6, तो आपके पास 20 हो जाएगी। तो काई कितना हो गया आपके पास, 20/60×10^3 कितना था, ये 3 था, ये आपके पास कितना, 3 से कैंसिल हो गया,
तो 1/3 इंटू 10^-3, आपके पास क्या आ गया 0.33 इंटू 10^-3। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एक पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए, 3.3 इंटू 10^-4 आ जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन। एन आइडियल बैटरी 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। द वैल्यू ऑफ आर टू गिव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस द 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए, ये आपके पास एक प्राइमरी सर्किट है जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, और कह रहा है ये आइडियल है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस आर भी जुड़ा हुआ है, राइट। आपको इस वायर की लेंथ आपको 1 मीटर दी है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है। सेकेंडरी सर्किट के अंदर उसने कहा है कि 5 मिली वोल्ट को कहां वो बैलेंस कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर कर रहा है। मतलब अगर यहां 5 मिली वोल्ट हो तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर? तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया आपके पास, एक्स आप क्या लिख सकते हो, 5 मिली वोल्ट बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 5 × 10^-2 वोल्ट पर मीटर। वैसे एक्स की वैल्यू होती क्या है, प्राइमरी सर्किट में वोल्टेज 4 बाय वायर का रेजिस्टेंस 5 प्लस एक्सटर्नल जुड़ा हुआ आर इंटू 5 बाय लेंथ कितनी है 1 इज इक्वल टू 5 × 10^-2। 5 से 5 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 10^-2 को इधर लाऊंगा तो 400 इक्वल टू 5 + R, देन R इज इक्वल टू 395 ओम आ जाएगा। 395 ओम मतलब आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, इन ए मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन dr बाय dl ऑफ इट्स रेजिस्टेंस आर विद लेंथ एल वेरी कर रहा है dr बाय dl इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√L टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शो इन फिगर। द गैल्वेनोमीटर हैज 0 डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट p, व्हाट इज द लेंथ ap। देखो, आपके पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म वायर थी और इस नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए उसने कोई पॉइंट बी दिया है, ये कोई पॉइंट ए दिया है। आपको ये लेंथ उसने एल दी है और ये लेंथ आपके पास 1 - L दिया है। ओके, यहां पर 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, दोनों सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस पर। ओके, उस केस में वो कह रहा है कि L की वैल्यू पता करनी है और ये कोई आपके पास सेल जुड़ा हुआ था, ये भी R डैश है और ये भी R डैश। ओके, आपको गीवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गीवन है कि dr बाय dl है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√L के। आपको एक बात तो क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये वाला, ये लेंथ दोनों सेम हो, सॉरी दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है तो बैलेंसिंग केस में आप कह सकते हैं R1 / R2 = R′ / R′ = 1, देन R1 शुड बी इक्वल टू R2। क्लियर? अब देखिए, यहां से मैं देखूं, मैं लिख सकता हूं dr बाय dl इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए Cl - 1/2, देन dr इक्वल टू क्या हो गया आपके पास Cl - 1/2 dl। अब l इसके इस एंड से लिया गया है, क्लियर? तो उस केस में पहले वाले का रेजिस्टेंस r1 क्या हो गया, इंटीग्रेशन दिया कहां से लेकर, 0 से लेकर के आपको इंटीग्रेट करना है l तक, तो 0 से l तक आपके पास क्या हो गया, l - 1/2 का इंटीग्रेशन, -1/2 + 1 तो +1/2, तो
तो आपके पास क्या आ गया, 2C रूट L फ्रॉम 0 टू L, तो आपके पास क्या आ गया, 2C रूट L आ जाएगा। क्लियर। दूसरे का देखें, R2 के लिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से लेकर, L की वैल्यू कहां से वैरी कर रही है, L से 1 माइनस L तक वैरी कर रही है, सॉरी L से 1 तक वैरी कर रही है, कहां तक वैरी कर रही है, ये 1 बाय 2 है, 1 तक वैरी, ये डिस्टेंस L है, ये इस एंड से डिस्टेंस क्या है, 1 है। ओके, लिमिट लेते टाइम ध्यान रखना ये 1 है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेज A से देखी जाएगी, A से इस पॉइंट की L है और उस पॉइंट की 1 है, तो आपके पास क्या आ गया, वही 2C रूट L आएगा, तो रूट L में पहले 1 माइनस रूट L। आपको पता है कि R1 इक्वल है किसके, R2 के, देन आप लिख सकते हैं 2C रूट L इक्वल टू 2C 1 माइनस रूट L, 2C से 2C कैंसिल, ये आ गया 2 रूट L इक्वल टू 1 या 4L इक्वल टू 1, इट मींस L इक्वल टू 1 बाय 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1 बाय 4 देखिए क्या होगा इसका, 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 मतलब 0.25 मीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्टेज सोर्स, इफ द 25 वाट एंड 100 वाट बल्ब्स ड्रॉ पावर्स P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, देन P1 एंड P2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपके पास दो रजिस्टर हैं, ये पहले का रजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, यहां पर आपने V वोल्ट को जोड़ दिया है, पावर क्या होगा आपके पास, पावर P इक्वल टू क्या होगी, I स्क्वायर R होती है, I क्या होगी, V बाय R1, तो P1 क्या होगा, I स्क्वायर R1, तो वो क्या हो गया, V बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। आपको इस वैल्यू को पता करना था, R1 R2 क्या है, यहां भी रेटेड वोल्टेज V है, यहां भी रेटेड क्या है, V है, तो उस केस में यहां भी आपके पास क्या आएगा, V की टर्म में, यहां भी V की टर्म में, आप किसी भी बल्लव के लिए रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, V स्क्वायर बाय P लिखते हैं, V स्क्वायर बाय P, तो इसको मैं P डैश ले लूं, तो P1 डैश, जब मैं यहां रखूंगा V स्क्वायर बाय P1 डैश, V स्क्वायर बाय P2 डैश से निकाल लो, या अलग अलग रजिस्टर निकाल करके रिजल्ट निकाल लो, अलग अलग देखेंगे तो V स्क्वायर कितना है, 220 इंटू 220 बाय 25, तो ये आ गया 22 इंटू 22 इंटू 4, ऐसे ही R2 की बात करें तो वो आ गया 220 इंटू 220 बाय 100, तो आपके पास कितना आ गया, 22 इंटू 22, आपके पास P1 क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू V कितना है, 220 बाय R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ रहा है, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 22 इंटू 22 इंटू 5 का होल स्क्वायर और इंटू R1 कितना था आपके पास, 22 इंटू 22 इंटू 4, आपके पास 220 से ये एक कैंसिल हो गया, ये आपके पास दो से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 11 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया बाहर आने पर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा P1 इक्वल टू 1 बाय 11 का स्क्वायर था, तो 1 बाय 11 इंटू 1 बाय 11 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया 22 से, तो आपके पास कितना आ गया, 60 वाट आ जाएगा, P1 की वैल्यू 60 वाट है। ऐसे ही जब हम P2 की बात करेंगे तो P2 के केस में सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, 22 इंटू 22 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, तो 22 कितना आ जाएगा, 4, तो आंसर विल बी 4th। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन द की K1 इज क्लोज्ड बट K2 इज ओपन इज इक्वल टू थीटा नॉट, ऑन क्लोजिंग K2 आल्सो एंड एडजस्टिंग R2 टू 5 ओम द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम थीटा नॉट बाय 5, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज देन गिवन बाय,
neglect the internal resistance of battery. देखिए किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के. आपको पता करना है कि उस ब्रांच से इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है. पहले केस में ये ओपन था तो सारी करंट यहां से जा रही थी, तो यहां से जाने वाली पहले केस की करंट I1 होगी. और आप इस I1 को क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस केस में आप लिख सकते हैं I1 इक्वल टू टोटल ईएमएफ जो भी था E बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना था इसमें से जाने वाला 200 प्लस जी. टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, तो इससे जाने वाली करंट I1 आपके पास ये आ जाएगी. मेरी बात क्लियर. सेकंड केस में देखिए आपको G पता करना है यहां से. ओके सेकंड केस में आपके पास R2 को जोड़ दिया गया है. ओके और R2 को 5 ओम रखा गया है. और जब R2 को 5 ओम रखा जाएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में इन दोनों का पैरेलल क्या हो गया, जी एस बाय जी प्लस एस ना. और टोटल क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा करेक्शन है, यहां पर 220 ओम है, 200 ओम नहीं है. ओके ये 220 ओम है. तो इस केस में देखिए पहले केस में ये आपके पास 220 प्लस जी होगा. सेकंड केस में देखो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट पता करनी है. करंट का यहां डिवीजन होना है, मान लो आई डैश जा रहा है, यहां से उसका डिवीजन होगा. और जब डिवीजन होगा तो यहां से जाने वाली करंट क्या होगी, इसे आप आई वन डैश लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा. देखिए आपके पास ये 220 ओम है, पहले केस में ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपके पास ई था. दूसरे केस में क्या है, ये 220 है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, दूसरा नीचे गैल्वेनोमीटर का जी है और ये सेम ई है. ये वही 220 है. पहले केस में यहां से जाने वाली करंट I1 है, दूसरे केस में यहां से जाने वाली करंट I2 है. ओके आपको I1 और I2 की वैल्यू पता करनी है. पहले केस में आप लिख सकते हैं I1 इक्वल टू क्या होगा, E बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 220 प्लस G. दूसरे केस में यहां जाने वाली करंट I आप पता कर सकते हैं. I क्या होगी आपके पास, यहां से I देखेंगे, I को आप क्या लिख सकते हैं, E बाय 220 प्लस 5G ओवर 5 प्लस जी हो जाएगा, जिसे आप सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं E इंटू 5 प्लस जी ओवर ये प्रोडक्ट हुआ 1100, ये आपके पास 225G. अब आपको इस ब्रांच में जाने वाली करंट पता करनी है. याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द करंट डिवाइडर. ओके और करंट डिवाइडर में हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या होगी, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, G के. तो इसका मतलब I2 और इसमें से जाने वाली जो भी करंट होगी उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा. मान लो यहां से I2 डैश जा रही है, तो आप लिख सकते हैं I2 बाय I2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G बाय 5. आपको I2 पता करना है तो I2 का रेशियो कितना है 5 बाय टोटल रेशियो कितना है G प्लस 5 और इनटू टोटल करंट कितनी है आपके पास I. तो आप लिख सकते हैं I2 इक्वल टू 5 बाय G प्लस 5 इनटू E इनटू G प्लस 5 बाय 110 प्लस 225G. ये कैंसिल हो गया आपके पास, इस 5 को मैं कैंसिल कर देता हूं तो I2 मेरे पास क्या आ गया, I2 इक्वल टू E बाय 220 प्लस 45G. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है
कि जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में, फर्स्ट केस में क्या था आपके पास थीटा नॉट, और सेकंड केस में वो थीटा नॉट बाय 5 हो जाता है। आपको पता है आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, देन आप लिख सकते हैं आई वन बाय आई टू इक्वल टू थीटा नॉट ओवर थीटा नॉट बाय 5। तो आपके पास ये 5 है, तो आप लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू क्या है 5 आई टू है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए e बाय 220 प्लस जी इक्वल टू 5e by 220 प्लस 45g। ई से ई कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल होगा तो इसको मैं इधर ले आऊं, कितना हो गया ये 45 प्लस 9g इक्वल टू 220 प्लस जी, तो 8g इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा इसका, इस केस में आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन में रिजल्ट आ जाएगा 22 ओम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम हैज 25 डिवीजन इन इट, व्हेन ए करंट ऑफ 4×10⁻⁴ एम्पीयर पासेस थ्रू इट, इट्स नीडल डिफ्लेक्ट बाय 1 डिवीजन, टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2.5 वोल्ट। वही क्वेश्चन अभी आपने किया था, ऐसा क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, R इक्वल टू क्या होगा V बाय आई जी माइनस 1 डिवीजन की करंट दे रखी है, टोटल डिवीजन क्या है 25, तो आई जी आपके पास कितना हो गया करंट ऑफ 1 डिवीजन इंटू नंबर ऑफ टोटल डिवीजन, तो 10⁻²⁻² एम्पियर आ जाएगा। बाकी सब वैल्यू आपको गिवन है, R इक्वल टू V कितना दिया है क्वेश्चन में, कितने वोल्ट में कन्वर्ट करना है 2.5 ओवर 10⁻²⁻², और माइनस जी, जी की वैल्यू क्या है 50, तो आपके पास क्या हो गया 250 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10⁻²⁸ एटम्स पर मीटर क्यूब, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एट ए टेम्परेचर 350 केल्विन इज 2.8×10⁻⁴, इट्स ससेप्टेबिलिटी एट 300 केल्विन। आप याद करो क्यूरी लॉ पढ़ते हैं अपन फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उनका केल्विन में जो टेम्परेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, देन आप कह सकते हैं काई टू इक्वल टू बाय काई वन इक्वल टू टी वन बाय टी टू, टी वन कितना है आपके पास 350/300 7/6 आ जाएगा, तो आपके पास काई टू कितना हो गया 7/6 इंटू 2.8×10⁻⁴, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3.6×10⁻⁴ आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3.27×10⁻⁴ हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर देखिए, फिर से एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन द सर्किट शो ए 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर विच एक्सटेंड्स बिटवीन ए एंड बी, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज R इक्वल टू 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, इफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एज शो विद जो के जे एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ इस बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज पता करना चाहता है, इसका वोल्टेज क्या होगा आपको पता है, V इक्वल टू क्या होगा XL ना एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्या होता है, एक्स क्या लिखते हैं अपन, प्राइमरी सर्किट में टोटल वोल्टेज बाय वायर का रेजिस्टेंस, प्राइमरी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बाय आर बाय,
आपको एल सेंटीमीटर में दिया है, इसे भी आप पर सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। आपके पास वैल्यू क्या दी है, प्राइमरी सर्किट के अंदर दो सेल जुड़े हैं, टोटल वोल्टेज क्या हो गया 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट हो गया। तो आप लिख सकते हैं आपके पास टोटल वोल्टेज कितना है 3 ओवर। आपको क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 0.01 ओम पर सेंटीमीटर है और 400 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 0.01 इंटू 400, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कितना रेजिस्टेंस है 4। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 कितना हो गया 1 हो गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 1 इंटू यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अभी पढ़ा था आपने कितना है 0.01 है। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6 इंटू 0.01, तो 0.01/2 आ जाएगी। तो आपके पास v की वैल्यू क्या होगी 0.01/2, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में रखेंगे। बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है 50 से, इसे आप कैंसिल कर देंगे 25 से, ओके। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.25 वोल्ट आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मैग्नेटिक डाइपोल एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाई इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट पी एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एज शो इन द फिगर, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ओके। आपको दोनों के नेट फोर्स पता करना है, फोर्स के लिए आपको डिस्टेंस पता हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। इसका एम है, नॉर्थ इधर को है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये बी वन हुआ आपके पास, राइट। इसके कारण देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे को है 2m, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अपवर्ड होगा B2। ये आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, क्लियर। अब देखिए आपके पास ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी वैल्यू देखें, B1 कहां पर है, ये मिड पॉइंट है D/2, और ये भी क्या है आपके पास D/2 है, D/2 पर आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। आपको पता है किसी भी बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π इनटू 2m बाय डिस्टेंस का क्यूब D/2 का क्यूब। और आपके पास B2 क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है डाइपोल के अपोजिट होता है, फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट बाय 4π m/d³, लेकिन m की जगह क्या दिया है 2m दिया है, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां भी 2m/d/2 हो जाएगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा बी इक्वलेंट, ओके, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बी यहां होगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, उसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। आपके पास एंगल क्या हो गया 45 डिग्री हो गया है। अब यहां पर आप किसी चार्ज, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल थे, अब जब आप यहां पर किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को, वो कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट पी एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एज शो इन फिगर, डाइपोल के मिड पॉइंट पर चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। याद करो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो, हेंस द फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ मैग्नेट विल बी जीरो, देन आंसर क्या हो जाएगा आपके पास
जीरो आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 22 क्वेश्चन है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस 50 ओम. इट इंडिकेट फुल डिफ्लेक्शन एट 4 मिली एम्पियर करंट. करंट कितनी है इसमें जा रही? 4 मिली एम्पियर. 4×10⁻³ एम्पियर. ए वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड ए 5 किलो ओम रेजिस्टेंस. मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया 5 किलो ओम. इसका मतलब आरवी इक्वल टू 5 किलो ओम है. तो कितने वोल्टेज का हो जाएगा वो? वी इक्वल टू आईजी आरवी हो जाएगा. आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं किसी रेजिस्टेंस के द्वारा, तो इस कंबाइंड का रेजिस्टेंस क्या होता है? आरवी होता है. तो अगर करंट आईजी जा रहा है तो इस वोल्टेज वी को आप क्या लिखेंगे? वी इक्वल टू आईवी आईजी आरवी. तो ये कितना है? 4×10⁻³ × 5×10⁻³ से 3 कैंसिल हो गया, 20 वोल्ट आ जाएगा. क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 23 क्वेश्चन देखिए. ए रेक्टेंगुलर कॉइल डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर विद 100 टर्न्स कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज केप्ट सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन द एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन में है, देन इसमें इलेक्ट्रिक करंट है एंटी क्लॉकवाइज. तो उस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मान लो ये मेरे पास एक्स है और ये मान लो जेड है. ये इसमें करंट है और करंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज. तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, जे कैप में हो जाएगी. क्लियर? तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जेड वाई एक्सेस में है. ए मैग्नेटिक फील्ड आई 1 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सेस. और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सेस के अलोंग है. ओके, अब वो कह रहा है इफ द कॉयल इज टिल्ड थ्रो ए 45 डिग्री अबाउट जेड एक्सेस. ये थी कॉयल, इसको यहां से यूं रोटेट किया है. ओके, इसको यूं रोटेट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. जब इसे 45 से रोटेट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी एक्स के साथ कितनी बन जाएगी? 45 डिग्री. उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? एम बी साइन 45 डिग्री. एम क्या है? एन आई ए होता है. तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 100 टर्न्स दे रखी है. आई इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना दिया है इसमें? 3 एम्पियर दिया है. एरिया आपको कितना दिया है? 5×12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 12.5×10⁻⁴. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 1 टेस्ला. और ये कितना हो गया? 1/√2 हो गया. ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.27 न्यूटन मीटर आ जाएगा. ओके, आंसर क्या होगा? 4th हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 24 नंबर. द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू इट इज 0.002 एम्पियर. वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन द ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू अमीटर ऑफ रेंज. आपको पता है किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीजेस. ओके, तो इसके लिए आप एक शंट को अप्लाई करोगे, इसके पैरेलल करोगे. अगर ये करंट आई का अमीटर बना है, इसमें से आई जी करंट जाएगा, तो इधर से करंट क्या जाएगा? आई माइनस आई जी. बोथ आर पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल विल बी सेम. तो आप लिख सकते हैं आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी एस. तो एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी यहां से? आई जी जी बाय आई माइनस आई जी. अब वैल्यू पुट कर दीजिए. आई जी की वैल्यू क्या है? 2×10⁻³ इंटू जी. जी कितना है आपके पास? 50 बाय आई. कितने में कन्वर्ट करना है इसको? 0.5 − 0.002. तो आप इसे लिख सकते हैं 2×50×10⁻³ ओवर ये कितना आ गया? 0.498. इससे पॉइंट को हटाएंगे, 10⁻³ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 100/498. ये अप्रॉक्सीमेट 500 हो जाएगा. तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1/5 आ जाएगा, जिससे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या हो गया? 0.2 ओम हो जाएगा. इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा?
0.2 ओम आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल विद 175 टर्न्स एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट यूज्ड ए टॉर्सन बैंड ऑफ टॉर्सन कांस्टेंट 10^-6 न्यूटन मीटर पर रेडियन. द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू इट्स प्लेन. द कॉइल डिफ्लेक्ट बाय 1 डिग्री फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर. द वैल्यू ऑफ बी. आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ी होगी, उसकी कॉइल के उसकी वायर के अंदर जो ट्विस्टिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को बैलेंस करती है. मतलब टो इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी बैलेंस की जाती है किसके द्वारा, सी थीटा से. आपसे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सी थीटा बाय एन आई ए. सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कितना दिया है, 10^-6 न्यूटन मीटर पर रेडियन दिया है. तो इसका मतलब एंगल भी रेडियन में रखना पड़ेगा. अगर पर डिग्री देता तो एंगल डिग्री में रह जाता, कोई दिक्कत नहीं थी. अब एंगल 1 डिग्री को क्या लिखेंगे, आपको पता है 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है. तो 1 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा. तो आपके पास पाई बाय 180. एन आपको दे रखा है, कितने टर्न्स दिए हैं, 175. इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना दे रखा है, इसमें इसने करंट दिया था आपको, इट यूज्ड पैरेलल 1 cm² अप्रॉक्सीमेट 1 mA करंट दे रखा है. 1 mA का मतलब 10^-3 एंड एरिया आपको कितना दिया है, एरिया आपको दिया है यहाँ पर 1 cm². तो ये आ गया मीटर स्क्वेयर में बदलने के लिए 10^-4. देखिए -7 से 1 जीरो गया, -6 से -6 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, पाई बाय 175 × 18, राइट. ये आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 3.14. और इसका प्रोडक्ट करेंगे ये लगभग आ जाएगा आपके पास 3.15 × 10^3 आ जाएगा. इसे आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 10^-3 आ जाएगा. रिजल्ट क्या होगा, थर्ड आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन. इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल आर शो इन द फिगर. विच ऑफ द रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट. इनमें से कौन सी रीडिंग बाकी तीन के साथ मेल नहीं खाएगी, उनके अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं है, वो पता करेंगे. देखो यहां से आपको पता करना है एक्स की वैल्यू. मान तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो R by X इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L by 100 माइनस L. तो X इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, X इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R by L हो जाएगा. क्लियर. अब देखो बारी बारी से चेक कर लेते हैं, पहले में कितना आ रहा है X की वैल्यू. X इक्वल टू आपको 60 cm दिया है. आर कितना है, 1000 × 100 − 60 कितना हो गया, 40/60 मतलब 2000/3 कितना हो गया, 666.67 ओम आ जाएगा. क्लियर. दूसरी रीडिंग से देखिए, एक्स इक्वल टू आर कितना दिया, 100 × 87/30 13 था तो 87/13 इसका जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी 669.2 आ जाएगी. थर्ड देखिए, x इक्वल टू 10 × L की वैल्यू है 1.5 और 1.5 से आपके पास कितना आ गया, 100 − 1.5 98.5/1.5 इससे आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 656.66 ओम. नेक्स्ट देखिए फोर्थ में देखिए, एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया 1 और डिस्टेंस भी 1 है तो 1 × 99/1 = 99 ओम. तो क्लियर है ना, ये 666 के आसपास है और ये 99 ओम है. इसका मतलब ये इससे अलग है, कौन सा, फोर्थ वाला. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड. देखो ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस रहते हैं.
आपने यहाँ से पढ़ा फोर्थ गलत है, तो बच्चे फोर्थ पर टिक कर देते हैं, बट फोर्थ ऑप्शन में कौन सा दिया है, थर्ड दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया है, सेकंड में दिया है, ओके, तो आंसर सेकंड होगा, और इनमें इसका सीरियल नंबर कौन सा है, फोर्थ है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अलो ए फुल स्केल करंट ऑफ 10⁻⁴ A ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 2 mega ohm is required to convert the above galvanometer into a voltmeter of range 5 volt. Therefore, the value of shunt resistance required to convert the above galvanometer into an ammeter of range 0 to 10 ampere. पहले आप इस voltmeter की help से galvanometer का resistance निकालते हैं। आपको पता है ना कि R equal to क्या होता है? V by IG minus G होता है। तो G आपके पास क्या होगा? जी आपके पास होगा वी बाई आई जी माइनस आर होगा। तो देखिए वी क्या है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, 5 वोल्ट है, ओवर आई जी आपके पास 10⁻⁴ A और माइनस 2 mega ohm है। तो आपके पास 5 × 10⁴ - 2 × 10⁶। गौर से देखिए, ये नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या था आपका, रॉन्ग था इस पेपर में, इसलिए इसे बोनस दिया गया था। क्यों था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया था, ये एक्चुअली में कम होना चाहिए था इससे, ओके। होगा क्या आगे, यहां से ये जी निकल जाएगा, जी से फिर आप, अगर ये सही होता तो आपको ऐसे निकालना था वो आई जी, जी बाय आई माइनस जी यहां से आ जाता, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 mega ohm की जगह पर 20 kilo ohm होता, एग्जाम्पल ले लेते, तो 20 kilo ohm का मतलब उस केस में यहां 4 आ जाता, तो आपके पास क्या आ जाता, 3 × 10⁴ ohm आ जाता। फिर आप यहां पर इस वैल्यू को रख देते, आई जी की वैल्यू आपको पता है, देखो 10⁻⁴ × 3 × 10⁴ by I, कितने I में कन्वर्ट करना है, कितने I में कन्वर्ट करना है, कितने I में कन्वर्ट करेंगे, I आपको दे रखी है 10 mA, तो by 10 × 10⁻³ - 3 × 10⁻⁴, ओके। तो आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। A square loop of carrying a steady current I and the magnitude of its magnetic dipole moment is M. If this square loop is changed into a circular loop and it carries the same current, the magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop, current vary नहीं कर रहा, यहाँ केवल उसका area vary कर रहा है। आपने एक circular loop को convert कर दिया है किसमें, एक circle में। आपके पास क्या था, इसका एरिया A1 था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है A2 में। देखिए लेंथ वायर की सेम रहेगी, आप कह सकते हैं 4L इक्वल टू क्या होगा, 2πR। इसका मतलब R क्या है आपके पास, 4L/2π है या 2L/π। अब अगर आप एरिया की बात करें, न्यू एरिया क्या हो गया, A2 इक्वल टू πR² π × 4L² / π², तो आपके पास क्या हो गया, 4L² / π हो जाएगा। और L स्क्वेयर क्या था, इनिशियल एरिया था, तो इसका मतलब A2 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 4π × A1, क्लियर। M इक्वल टू IA होता है, तो I तो कांस्टेंट है, तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया। आप लिख सकते हैं M2/M1, जो M है, इक्वल टू A2/A1, और A2/A1 की वैल्यू 4π है, तो आपके पास M2 क्या हो गया, 4π/m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29। ए मैग्नेटिक कंपास नीडल ऑसिलेट 30 times per minute एट ए प्लेस वेयर द डिप इज 45 degree एंड 40 times per minute वेयर द डिप इज 30 degree। If B1 and B2 are respectively the total magnetic field due to the earth at two places, then B1/B2 क्या होगा? देखिए, आपको पता है किसी भी जगह पर टाइम पीरियड क्या होता है ऑसिलेटर का, T equal to 2π root
आई बाय एम बी एच होता है। अब बी एच क्या है, किसी पॉइंट पर अगर आपको डिप एंगल थीटा दिया हो तो डिप एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप यहां से कह सकते हैं आपके पास बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा। तो उस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास, टू पाई रूट आई बाय एम बी कॉस थीटा। अब एक ही मैग्नेट को दो अलग अलग जगह पर रखा गया है तो आपके पास क्या हो गया, टी वन बाय टी टू इक्वल टू रूट बी टू कॉस थीटा टू बाय बी वन कॉस थीटा वन। आप लिख सकते हैं बी वन बाय बी टू इक्वल टू टी टू बाय टी वन का स्क्वायर इंटू, इसको इधर ले आएंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा टू बाय कॉस थीटा वन। क्वेश्चन में उसने दिया है कि पहले वाला 1 मिनट के अंदर कितने ऑसिलेशन देता है, 30, और दूसरे वाला 1 मिनट में 40। इसका मतलब पहले वाले का टाइम पीरियड क्या है, 60 सेकंड में 30 ऑसिलेशन है तो 2 सेकंड, दूसरे वाले का 60 सेकंड में 40 ऑसिलेशन है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन टेक्स इन 60 सेकंड, देयरफॉर द वन ऑसिलेशन विल बी इन 60/40 सेकंड, तो इसका मतलब 3/2 सेकंड। थीटा वन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, थीटा वन क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, और सेकंड आपको दिया है कितना, थीटा टू इक्वल टू 30 डिग्री। हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो आपके पास बी वन बाय बी टू क्या आ गया, टी टू बाय टी वन क्या आएगा, 3/4, टी टू बाय टी वन तो आ गया 3/4, जिसे लिख सकते हैं 9/16 इंटू, थीटा टू आपके पास 30 डिग्री था जिसे लिखते हैं √3/2, और 45 डिग्री को लिखते हैं 1/√2, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 9/60 इंटू √3/√2 आ जाएगी। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 × 1.73/16.707, 1/√2 की वैल्यू होती है। इसका आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। अब गौर से देखिए ये वैल्यू क्या है, 16 के नियर अबाउट है, तो नियर अबाउट रिजल्ट 0.6 और 0.7 के बीच में हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में देखिए 0.6 और 0.7 के बीच में कोई रिजल्ट है तो इसके पास रिजल्ट है वो 0.7 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स स्केल एंड हैज सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन। इट इज टू बी कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर विद 3 रेंज 0 to 2, 0 to 10, and 0 to 20। द अप्रोप्रिएट सर्किट टू डू सो इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको वो पता करना है। आपको दिया क्या है, देखो 50 डिवीजन दिए हैं और एक डिवीजन का करंट आपको दिया है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो आईजी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, आईजी की वैल्यू होगी 20 × 50 × 10³ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁶ होता है तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 100 ओम है। अब देखिए आपने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अलग अलग रेजिस्टेंस के द्वारा। अगर आप R1 रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो ये 2 वोल्ट में बदल जाएगा,
अगर R1 और R2 दोनों करते हैं ये 10 वोल्ट में, और अगर R1, R2, R3 है तो ये 20 वोल्ट में हो जाए, राइट। ये आपके पास एक सर्किट है। देखो अगर आप इसको 2 वोल्ट तक बदलते हैं तो आपको अकेला R1 यूज करना पड़ेगा। आपको पता है रेजिस्टेंस R क्या होता है, V/IG-G होता है। जब आप R1 रेजिस्टेंस का यूज कर रहे थे तो कितने में कन्वर्ट कर रहे थे, 2 वोल्ट में, तो क्या हो गया, 2/10^-3-100, मतलब 2000-100 तो कितना आ गया, 1900 ओम आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, R2 के लिए देखो, जब आप 10 वोल्ट में बदलते हैं तो आप इसे 10 वोल्ट में बदल रहे हैं, जिसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, R1+R2। इसका मतलब R1+R2 क्या है आपके पास, 10/10^-3-100, तो 10,000-100 कितना हो गया, 9900 ओम हो जाएगा। तो यहां से R2 क्या हो जाएगा आपके पास, R2=19, R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8000 ओम आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए R3 के लिए, ये तीनों आप लेते हैं तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, इनको भूल जाओ, टोटल वोल्टेज क्या है, 20। तो उस केस में R1+R2+R3 के लिए क्या है, V की वैल्यू 20/10^-3-100, 20,000-100 आपके पास कितना आ गया, 19,900 ओम आ गया। लेकिन आपको पता है R1+R2 की वैल्यू 9900 है, तो R3 कितना हो गया आपके पास, 9900 गया, तो ये आपके पास 10,000 ओम आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो रिजल्ट आएगा, पहले वाले का 1900 ओम आना चाहिए, पहले वाले का कितना है, 1900 ओम, दूसरे वाला जो है उसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 8000, और तीसरे वाले के लिए क्या होगी, 10,000 होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब आपके पास इनके साथ मैच करने वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। R1 1900 1900, इसका मतलब फोर्थ और थर्ड नहीं होगा, क्योंकि R1 क्या है, 2000 है और 19,900 है। उसके बाद देखो R2 800, इसका मतलब सेकंड भी नहीं है, और R3 10,000, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार-बार, वही कन्वर्जन, दो ही टाइप का कन्वर्जन है, वोल्टमीटर में कन्वर्जन है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। वोल्टमीटर के लिए सीरीज में जोड़ना है, अमीटर के लिए पैरेलल जोड़ना है। देखिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस जी प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट IG फ्लो थ्रू इट। दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमिटर ऑफ रेंज 0 to I0. I0 इज ग्रेटर देन IG बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस RA। आपको शंट का रेजिस्टेंस दिया है, RA दिया है, तो आपको पता है अभी पढ़ा था आपने, RA इक्वल टू क्या हो गया, IgG/I0-IG, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V0, और V0 की वैल्यू है, ये V0 है, V0=I0G दिया है। दूसरा क्या है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने है, उसके लिए रेजिस्टेंस RV है, RV=क्या होता है, RV=क्या होता है आपके पास, V/V0=IG-G। V0 उसने क्या दे रखा है, I0G दे रखा है, मतलब I0G/IG-G। जी आप कॉमन लेंगे, IG एलसीएम ले लें, तो क्या आ गया, I0-IG(G), ये मेरे पास RV की वैल्यू हो जाएगी।
क्लियर। अब देखिए, अब ऑप्शंस देखें क्वेश्चन के क्या है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन में तीनों चारों जगह पर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट की बात की है और चारों में दोनों के रेशियो की बात की है, तो हम इसके प्रोडक्ट और रेशियो की बात कर लेते हैं। पहले हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आर वी इंटू आर ए, देखिए आई जी जी बाय आई नॉट माइनस आई जी है, या आई नॉट माइनस आई जी बाय आई जी है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जी स्क्वेयर आ जाएगा। दूसरा आपके पास आर ए बाय आर वी है, तो जब रेशियो देखेंगे आर ए बाय आर वी, तो क्या था आर ए, क्या है आई जी जी बाय आई नॉट माइनस आई जी, और आर वी के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो गया आई जी जी आई जी बाय आई नॉट माइनस आई जी जी, जी से जी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया आई नॉट बाय आई नॉट माइनस आई जी का होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में उनका रेशियो पूछा है, रेशियो क्या है सॉरी प्रोडक्ट क्या है, जी स्क्वेयर होना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता और फोर्थ भी नहीं हो सकता। दो का प्रोडक्ट कहाँ आया, जी स्क्वेयर। उनका रेशियो क्या है, एक जगह पर आई जी बाय आई नॉट माइनस आई जी है, एक जगह आई जी बाय आई नॉट माइनस आई जी का स्क्वेयर, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास थर्ड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। इन ए बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 45 वाट, 15 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 15 स्मॉल फैंस ऑफ 10 वाट एंड 2 हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट, द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन, ये मीन नहीं है मेन है, सर्किट की जो मेन सर्किट है उसकी बात कर रहा है, इज 220 वोल्ट, द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी रेटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग विल बी। आपको फ्यूज का पता करना है कितने करंट का होगा। आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होती है, वी आई होती है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाय वी। अब बिल्डिंग के अंदर टोटल पावर देखनी है, 45 वाट के 15 बल्ब है, 15 बल्ब 100 वाट के और 15 स्मॉल फैन 10 के हैं, तो सभी की पावर ऐड हो जाएगी, 15 इंटू 45 प्लस 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलो ओम का आपके पास क्या है, 1 किलो ओम का हीटर दिया हुआ है। ओके तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 4325 हो जाएगा। आपके पास आई कितना हो जाएगा, 4325 बाय 220। अगर 4400 होता तो अप्रोक्सीमेट 2090 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 20 एम्पियर आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन देखिए 33 काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि द फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटली मेजर बी वर्सेस एच वेरिएशन इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाइस्टेरेसिस लूप का क्वेश्चन है। ओके इन हाइस्टेरेसिस लूप हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर एच को इंक्रीज करने पर बी इंक्रीज नहीं होता, जिसे आप सैचुरेशन कहते हैं, तो ये इसका सैचुरेशन है, मेरी बात क्लियर। उसके बाद एच को डिक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता है, एच को जीरो करने पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं रहता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे रिटेंटिविटी कहते हैं, इट इज रिटेंटिविटी। ये क्या है, रिटेंटिविटी, मेरी बात क्लियर। जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगता है, और एक वैल्यू पर जाकर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एक नेगेटिव वैल्यू पर जाकर फील्ड जीरो हो जाता है, इट इज कॉर्सिविटी।
वो नेगेटिविटी को क्या कहते हैं, कॉर्सिविटी। अब फर्दर और इंक्रीज करने पर फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होने लगता है, फिर से सैचुरेशन आ जाता है। फिर से एच को डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है, जीरो करने पर वो जीरो नहीं होता, वापिस से क्या मिलता है आपको, रिटेंटिविटी। फिर से एच की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, फिर रिवर्स करते हुए इंक्रीज करेंगे एच को, तो एच की एक वैल्यू पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर से ये क्या है, कॉर्सिविटी, जितना ये था उतना ये होगा, जितनी रिटेंटिविटी ये थी उतनी ये होगी। फिर फर्दर इंक्रीज करने पर वापिस से सैचुरेशन पर आ जाता है। इस एक साइकिल को हम क्या कहते हैं, हाइस्टेरेसिस लूप कहते हैं। इस साइकिल का एरिया जितना ज्यादा होता है, एनर्जी का लॉस उतना ही अधिक होता है, और जितना इसका एरिया कम होता है उतना ही एनर्जी का लॉस कम होता है। तभी हम देखते हैं कि जहां भी हाइस्टेरेसिस लॉस हो रहा हो वहां पर हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिसके लिए हाइस्टेरेसिस लूप बहुत पतला रहे, बहुत थिन रहे, जिसका एरिया बहुत कम हो, जिसके लिए वहां पर लॉस कम हो। इसीलिए हम जितने भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उसका एरिया जो होगा हाइस्टेरेसिस लूप का वो थिन होगा, जिससे वहां पर लॉस बहुत कम होता है। ओके, जैसे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, या सॉफ्ट आयरन कह सकते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन, एक हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए इसका एरिया कम होता है, हार्ड के लिए इसका एरिया ज्यादा होता है, राइट। इस क्वेश्चन में आते हैं, फिगर के अंदर उसने कहा है कि ये एरिया दिया है, आपको रिटेंटिविटी पता करनी है, आपको कॉर्सिविटी पता करनी है, आपको सैचुरेशन पता करनी है। रिटेंटिविटी ये रही, ये कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन 1 केवल सेकंड में है। उसके बाद कॉर्सिविटी पता करनी है, ये रहा, ये कितना है, 50। तीसरा सैचुरेशन, सैचुरेशन ये रहा, यहां जाकर हो गया सैचुरेशन, ये कितना है, 0.51, 1.52, तो क्या आ गया, 1.5 आ जाएगा। ओके, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34। द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फॉर ए सेल ऑफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। द नल पॉइंट ऑन इट्स इट इज फाउंड टू बी एट 100,000 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो, आप x की वैल्यू पढ़ते हैं, x को आप EB बाय R प्लस R1 इंटू R बाय L लिखते हैं। प्राइमरी सर्किट में सेल का EMF, वायर का रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट, वायर का रेजिस्टेंस और वायर की लेंथ, इसे हम I लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, I R बाय L। अब x को आप सेकेंडरी सेल के लिए क्या लिखते हैं, v इक्वल टू एक्स एल लिखते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, v बाय एल। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, v क्या है, वोल्टेज। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, r की वैल्यू आ जाएगी। I आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, I आपको दिया था 60 मिली एम्पियर, तो 60 × 10⁻³। r आपको पता करना है, ओवर l, टोटल लेंथ आपको कितनी दी है, 1200 सेंटीमीटर इक्वल टू v, वोल्ट के लिए कितने वोल्ट में बदलना, कितने वोल्ट वाले के लिए बता रहा है ये, 5 वोल्ट के लिए, तो 5 ओवर आपके पास कितनी लेंथ पर वो बैलेंस कर रहा है, 1000 पर बैलेंस कर रहा है, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया और 5 इधर कैंसिल हो गया 1 से, क्लियर। आपके पास क्या हो गया, R इक्वल टू 1/10 × 10⁻³, क्या बचा, 1/10⁻², जो ऊपर जाकर कितना हो गया, 100 ओम। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन When current 1 मिली एम्पियर is passed through it, what is the value of resistance which can be convert this galvanometer into a voltmeter, giving full scale deflection of a potential difference 10 volt? फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, R equal to V by Ig minus
जी वी क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट दिया है, 10/IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको करंट कितनी दी है, 1 mA 10^-3 माइनस गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम। तो 10 × 10^3 माइनस 100 आपके पास कितना आ गया, 10,000 - 100 इक्वल टू 9900 ओम आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 9.9 kΩ। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36। ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज द रेडियस ए एंड कैरिंग करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन सच दैट व्हेन रोटेटेड स्लाइटली अबाउट इट्स डायमीटर एंड रिलीज्ड इट स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी, इफ द मास ऑफ द लूप इज m देन टाइम की वैल्यू कौन सी होगी, पता करना है। ओके आपको पता है टाइम क्या होता है, 2π√i बाय I0/mb। आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी ए रेडियस की कॉइल का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma² 2π√ma² / 2। ओवर m क्या होगा, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट आई ए होता है, करंट आपको आई दी है, एरिया क्या है, π a² × b। आपके पास a² से a² कैंसिल, तो क्या आ गया, 2π√m/2i π b। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, किसी में बाहर कुछ नहीं दिया हुआ, तो डेफिनेटली बाहर वाले 2π को अंदर डाल दिया इसने। तो देखिए क्या हुआ, t = √ इस 2π को अंदर देखिए, 4π²m/2i π b। तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया, t = √2π m/i b। कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके 2π m/i b इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37। द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल इज 560 cm इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेल द बैलेंसिंग लेंथ चेंज बाय 60 cm इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज n/10 ओम वेयर n इज एन इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ n। देखिए आपको हम पूरा पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताते। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये की है कोई, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है, ये आपके पास प्राइमरी सर्किट हो गया। सेकेंडरी सर्किट के अंदर एक सेल जुड़ा है और गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। ये सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, इसके दोनों एंड पर कोई रेजिस्टेंस आर जोड़ा है और ये कोई की है, सेकंड की। क्लियर। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E-V/V×R। E क्या है, ओपन सर्किट में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड पर, मतलब EMF। और V क्या है, जब सेल को R रेजिस्टेंस से जोड़े उस केस में उसके दोनों इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, राइट, स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए पहले अपन K1 को क्लोज करते हैं, K2 को ओपन रखते हैं। K1 क्या होता है, क्लोज, और K2 आपके पास क्या रहता है, ओपन। उस केस में बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे, जब ये ओपन है तो इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इसके EMF को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप लिख सकते हैं E = क्या हो गया, XL1 बैलेंसिंग लेंथ। सेकंड केस में आप K2 को और K1 दोनों को क्लोज रखते हैं,
पर प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज व्हेन ए चेंज इन प्राइमरी सर्किट देन एक्स विल बी चेंज, हमें एक्स कांस्टेंट रखना है। तो इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ होगी, तो यहां करंट का फ्लो होने लगेगा, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा तो वी इक्वल टू एक्स एल टू होगा, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू बाय एक्स एल टू इंटू आर हो जाएगा। तो आपके पास L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू आर आ गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि पहले 560 आता है, जब आप उसमें रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं 10 ओम का उसके पैरेलल, तो ये 60 से कम हो जाता है, मतलब 500 रह जाता है। और कब? जब आपने 10 ओम को जोड़ा था। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से आ गया 60 बाय 500 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1.2 ओम आ गया, जिसे आप 12 बाय 10 लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि n बाय 10 हो जाता है, तो इसका मतलब n कितना है इसमें, n आपके पास 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। फोर रेजिस्टेंसेज ऑफ 15 ओम, 12 ओम, 4 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर टू वेस्टर्न नेटवर्क। द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क इज, देखो ये कह रहा है साइक्लिक प्रोसेस में है 15, ये 12, ये 4 और ये क्या है 10 ओम, 15 आपको इसे बैलेंस में लाना है, और बैलेंस के लिए वो कह रहा है कि इसके पैरेलल आप एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देते, ये आपके पास टोटल आर पी हो गया, और बैलेंस के केस में आप क्या लिखेंगे, 15 बाय आर पी इक्वल टू 12 बाय 4, ये आपके पास 3 आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, इसका मतलब आर पी इक्वल टू क्या हो गया, 5। यहां से देखें क्या हो गया, 10 इंटू आर बाय आर प्लस 10 इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो 2 आर इक्वल टू आर प्लस 10, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ओम आ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास 39 क्वेश्चन है। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये एस एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही। ओके, आर इज ए रेजिस्टेंस वायर, इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ एल इज 25 सेंटीमीटर, इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय ए वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर दैट ऑफ आर ऑफ सेम मटीरियल देन द बैलेंसिंग लेंथ एल डैश। देखो ये 25 सेंटीमीटर है, आपको पता है आर बाय एस इक्वल टू क्या होगा, इसकी लेंथ 25 बाय इसकी लेंथ 75, इसका मतलब एस इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 आर है। क्लियर? सेकेंड केस में वो कह रहा है कि R को रिप्लेस कर दिया, आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A, A को आप लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4, D क्या है डायमीटर ऑफ वायर, कैसी वायर से रिप्लेस किया है, वो कहता है रिप्लेसिंग बाय वायर हाफ द लेंथ एंड हाफ डायमीटर एंड दैट ऑफ R ऑफ द सेम मटीरियल, मटीरियल सेम है, रो सेम है, लेंथ हाफ डायमीटर भी हाफ, लेंथ हाफ होते ही रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, डायमीटर हाफ होते ही रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, रिजल्टेंट आप कहेंगे कि जो आर डैश है आपके पास वो डबल हो जाएगा, किसका, आर का। मेरी बात क्लियर? उस केस में बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, देखिए आर डैश बाय एस इक्वल टू क्या आएगा, एल बाय 100 माइनस एल, आर डैश क्या है आपके पास 2 आर बाय एस, अभी पढ़ा था कितना है
3R equal to L by 100 minus L. इधर लाएंगे 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L, तो 5L इक्वल टू 200, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर सेंटीमीटर में पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिज्म और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जेई का 19 और 20 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट जेई मेन में आए हैं, चाहे वो 19 20 में हो, चाहे उससे पहले के हो, चाहे नीट में 13 से लेकर 19 तक आए हैं, सभी का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं हमारे CLC के यूट्यूब चैनल पर सभी टॉपिक वाइज उपलब्ध है, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।